गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम अनुपम कुमार फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। स्टेट लाइन निकालने का वेरियस फॉर्मेशन है, ठीक है। तो देयर आर वेरियस फॉर्म, यानी बहुत सारा तरीका है। सबसे पहला जो आपका फॉर्मेशन है वो ये कहता है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तब वहां पर क्या होगा इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसा होगा। यानी सबसे फर्स्ट जो है आपका कंडीशन, इफ द स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखते हैं, तो अगर यह एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल का मतलब क्या होगा, इसी टाइप का कोई लाइन होगा। तो अगर इस टाइप का कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी पॉइंट पर तो ये वाई एक्सिस को काट रहा होगा। तो वाई एक्सिस को जो काट रहा है, मान लेते हैं कि बी डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे काट रहा है, वाई एक्सिस को बी डिस्टेंस पे काट रहा है, ठीक है। तो अगर इसको बी डिस्टेंस पर काट रहा है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम क्या लिख सकते हैं, 0, b लिख सकते हैं। यानी यह जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर x एक्सिस के पैरेलल है, तो वो y एक्सिस को किसी ना किसी पॉइंट पर जरूर काट रहा होगा। और वो किस पॉइंट पर काट रहा है, मान लीजिए कि b डिस्टेंस ऊपर काट रहा है। तो यहां पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, b, और इसका इक्वेशन जो निकलेगा वो हो जाएगा, या तो आप लिख सकते हैं x बराबर 0, या तो हम कह सकते हैं कि y बराबर b, ठीक है। यानी इस स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होगा वो या तो x बराबर 0 होगा, क्योंकि ये x एक्सिस को तो काट नहीं रहा है किसी पॉइंट पर, इसीलिए x इक्वल टू 0 होगा। एंड y एक्सिस को किस पॉइंट पर काट रहा है, b पॉइंट पे, इसीलिए इसका इक्वेशन आप बोल सकते हैं y इक्वल टू b। यानी दोनों सही है, x इक्वल टू 0 या y इक्वल टू b, दोनों सही है। हमारे पास दूसरा जो सिचुएशन है वो ये है कि इफ द स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब किसके पैरेलल रहेगा, वो y एक्सिस के पैरेलल रहेगा। अभी हम ऐसा सिचुएशन बता रहे थे जो कि x एक्सिस के पैरेलल था। अब जो सिचुएशन होगा, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो चूंकि ये y एक्सिस के पैरेलल होगा, मान लेते हैं ये स्ट्रेट लाइन है, तो कितना डिस्टेंस पर ये काट रहा है x एक्सिस को, तो मान लेते हैं कि x एक्सिस को a डिस्टेंस पे काट रहा है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, 0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1, 0, और ये है आपका ओरिजिन। अगर इस स्ट्रेट लाइन का हम इक्वेशन निकालना चाहेंगे, तो लिख सकते हैं y इक्वल टू 0 या x बराबर 1, दोनों सही है, ठीक है। या तो y बराबर 0 होगा, या तो x बराबर 1 होगा। ये है सेकंड सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन ऐसा होगा कि जब स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को काटेगा और y एक्सिस के पैरेलल रहेगा, तब। तो तीसरा फॉर्म है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप हमारे पास दिया हुआ है और वो किसी पॉइंट से गुजर रहा होगा, ठीक है। यानी तीसरा जो फॉर्म है इसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, कि स्ट्रेट लाइन किसी ना किसी पॉइंट से पास करेगा और उसका स्लोप दिया हुआ रहेगा। तो पहले इसका डायग्राम देख लें हम। एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लेते हैं कि यह कोई स्ट्रेट लाइन है, माना कि यह कोई स्ट्रेट लाइन है जो पास कर रहा है x1, y1 से। मान लेते हैं यह कहां से पास कर रहा है, x1, y1 से, और इसका स्लोप जो है वो m दिया हुआ है। इसका स्लोप क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है। इस पर कोई पॉइंट हम अपने मर्जी से मान लेते हैं x, y। इस पर कोई पॉइंट हम अपने मर्जी से क्या मान लेते हैं, x, y। इसका नाम दे देते हैं P और इसका नाम दे देते हैं Q। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इफ ए लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, इफ ए लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट x1, y1 एंड इट्स स्लोप इज m, यानी इस स्ट्रेट लाइन जो है वो पास कर रहा है x1, y1 से, और इसका स्लोप क्या दिया गया है, m दिया गया है। तो यहां पे हमारे सामने में स्लोप क्या दिया हुआ है, m, और m बराबर हम जानते हैं स्लोप बराबर। अगर हमारे पास दो पॉइंट है,
तो दो पॉइंट के बीच का हम स्लोप निकालते हैं वो क्या होता है डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। तो हम कह सकते हैं कि एम इक्वल टू डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट यानी वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स वन। अब यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एम के नीचे में वन डाल देते हैं, इस वन को मल्टीप्लाई करेंगे वाई माइनस वाई वन से तो ये हो जाएगा वाई माइनस y1 बराबर यहाँ पर m है तो m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। हमारा इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन यही है, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ चुका है y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ पे जो m है इसे हम क्या कहेंगे स्लोप, इसे हम क्या कहेंगे स्लोप ऑफ द लाइन यानी y माइनस वाई वन बराबर स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। y माइनस वाई वन इक्वल टू क्या हो जाएगा स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। एक एग्जांपल है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप इज 1/2 एंड इट पासेस थ्रू थ्री कॉमा टू। यानी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन चाहिए मुझे, किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन चाहिए जिसका स्लोप का वैल्यू दिया हुआ है 1/2 और वो स्ट्रेट लाइन कहां से पास कर रहा है 3.2 से, कहां से पास कर रहा है वो 3.2 से। तो जिस पॉइंट से पास कर रहा है जिसे हम एक्स वन कॉमा वाई वन कह सकते हैं, यानी हमारे सामने में एक्स वन कॉमा वाई वन का जो वैल्यू आएगा वो क्या रहेगा 3.2 रहेगा और जो स्लोप है हमारे पास m, m का वैल्यू क्या दे दिया गया है 1/2 दिया गया है। अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, तो इक्वेशन जो होगा इसका इक्वेशन हो जाएगा y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये होता है इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो y माइनस वाई वन, वाई वन के जगह पर क्या प्लेस करेंगे हम टू इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये हो जाएगा। अब टू से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो टू वाई माइनस फोर इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री हो जाएगा। अब इस टू वाई को उधर ले जाएंगे तो एक्स माइनस टू वाई और फोर को भी उधर ले जाएंगे तो चार से तीन क्या है प्लस वन बराबर जीरो। इट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी हमारा जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा वो यही होगा एक्स माइनस टू वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। यानी फॉर्मूला में सेट कर दिए हैं वाई माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन, इस टू से सामने मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारा इक्वेशन हमारे सामने में है एक्स माइनस टू वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो।